सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर कंप्यूटर का बेसिक लर्निंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमारे जहन में जो चीज आती है वो होता है ऑफिस। ऑफिस के अंदर क्या क्या आता है? ऑफिस में आता है एमएस वर्ड, जिसके अंदर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, पैराग्राफ्स लिखते हैं। उसके बाद आता है एमएस एक्सेस, जिसके अंदर हम डाटाबेस बनाते हैं, एक जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेल। एक्सेल के अंदर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, बड़ी बड़ी लेजर्स जो है वो सारे डाटे हम एक्सेल में लिखते हैं। उसके बाद आता है पावर पॉइंट, जिसके हम पावर पॉइंट के अंदर हम जो है अपने डाटा को एक प्रेजेंटेशन का रूप देते हैं। इसके अलावा वेब पब्लिकेशन एक्सेट्रा जो है ऑफिस में आता है। जैसे कि हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जो आपको जो है इजी वे में हिंदी में आपको जो है घर बैठे बैठे कंप्यूटर सिखा सकती है, तो उसके अंदर आज हम शुरू करेंगे एक्सेल से। तो एक्सेल को जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेल की जरूरत क्यों पड़ती है। फ्रेंड्स, जब भी आप जो है डाटा एंट्री की जॉब देखते हैं या कहीं पे भी डाटा एंट्री की रिक्वायरमेंट्स होती है, वहां पे एक्सेल काम में आता है। एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्म का, किसी भी कंपनी का, किसी भी इंस्टीट्यूट का जो है वो डाटा उसके अंदर एंट्री किया जाता है। उस डाटा के अंदर जो है उसमें लुकअप करना, उसके अंदर जो है मेथड्स लगाना, उसके अंदर फॉर्मूलाज लगाना, ये सारी चीजें जो है एक्सेल में की जाती है। तो आज सीरीज जो है हम शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक से कि एक्सेल को आपने कैसे खोलना है, उसके अंदर आपने कैसे काम करना है और कौन कौन से फंक्शन होते हैं। मैं हूं सुनील, तो आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, बेसिक कंप्यूटर की सीरीज में आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल की। एमएस एक्सेल जो होता है ये कैसे काम करता है और आप इसके अंदर कैसे जो है वो डाटा मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एमएस एक्सेल हमने यहाँ पे जो है कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेल 2007 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे कि मेरे पास विंडो 10 है, आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है न्यू में जाएं और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ऑफिस मेरा इंस्टॉल है, ऑफिस 7 मेरे पास है। यहाँ सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के ऊपर आप क्लिक कर दें। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास एमएस एक्सेल जो है वो आइकॉन बन जाता है। यहाँ पे सबसे पहला काम आपने इसको जो है वो नाम देना है। तो यहाँ पे हम नाम देंगे कोई भी नाम, डाटा ऑफ स्कूल, जो भी आप काम कर रहे हैं उसी को आप नाम दे दें। तो अभी मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो मेरी जो डाटा शीट है वो खुल जाएगी। ये देखिए डाटा शीट जो हमने नाम दिया था डाटा ऑफ स्कूल, ये डाटा शीट हमारी एमएस एक्सेल की खुल गई है। जैसे आप एमएस एक्सेल की डाटा शीट खोल लेते हैं तो उसके बाद अभी हमने आगे काम करना है। तो ये ट्यूटोरियल जो है आपको बेसिक से सिखाएगा, शुरू से आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप एक्सेल में जो है वो मास्टर बन सकते हैं। सो इस वीडियो को आप अंत तक देखें सो दैट आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें। वेल फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे आप ये सर्कल देख रहे हो, ये सर्कल जो है इसको ऑफिस बटन बोला जाता है। ये जो है एमएस 2007 के बाद जितने भी ऑफिस आ रहे हैं सब के अंदर जो है ऑफिस बटन दिया हुआ है। पहले यहाँ पे मेनू होता था, मेनू को इन्होंने अभी कट करके ये जो पूरा जो है इसको हम जो है रिबन्स बोलते हैं, रिबन्स यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे मेनू बार नहीं होता है। पहले हम लोगों के पास मेनू बार होता था, जैसे हम किसी भी मेनू पे क्लिक करते थे तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आते थे। बट आजकल जब भी हम किसी ऊपर मेनू के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो आ रहा है हमारे पास क्या है, इसको हम रिबन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है जिसको हम ऑफिस बटन बोलते हैं। और उसके ऑफिस बटन के राइट में आप देख पा रहे हैं क्विक एक्सेस टूल बार होती है। तो अभी हम जितने भी ये मेनू दिए हुए हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू एंड व्यू, सबसे पहले हम लोग इन सबको समझेंगे। जितने भी इसके अंदर ये टूल्स हैं, इनके क्या फंक्शन हैं, इनको सबको समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक्सेल के अंदर कैसे काम किया जाता है, कैसे फॉर्मूलाज को पुटअप करना है, वो हम सारा जानेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे
ऑफिस बटन की। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिस बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं ऑफिस बटन पे, तो इसके नीचे जो है मेनू दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यू दिया हुआ है। जब आप नई एक वर्कशीट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू में जाना है। ये देखिए, मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे हम न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए न्यू वर्कबुक का ये यहाँ पे खुल के आ गया है पेज। यहाँ पे आप इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स को भी ले सकते हो, माय टेम्पलेट्स को भी ले सकते हो, न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ले सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफलाइन से। यहाँ पे इतने दिए हुए हैं फीचर्स जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी वर्कशीट बनाते हैं तो हम लोग हमेशा ब्लैंक ही चूज करते हैं, बिकॉज के हमें जो है खुद का काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ब्लैंक को क्लिक करें। जैसे क्लिक किया, आप ब्लैंक सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ क्रिएट का बटन दिया हुआ है, क्रिएट के ऊपर आप क्लिक कर लें। जैसे आप क्रिएट के ऊपर फ्रेंड्स क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक ब्लैंक जो है वर्कबुक खुल के सामने आ जाती है। जैसे कि ये दिखाई दे रही है, ये यहाँ पे एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट हो गई है। ये देखिए बुक नंबर वन, जो पहले हम जिस पे काम कर रहे थे वो अलग थी, अभी ये जो है ये अलग है। ये देखिए यहाँ पे दो हैं, डाटा ऑफ स्कूल था पहले हमारे पास, अभी बुक वन है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक करके न्यू पे किया है, अगर आप जो है एग्जिस्टिंग खोलना चाहते हैं तो उसके बाद ये देखिए यहाँ ओपन का ऑप्शन है। ओपन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप पाथ सेलेक्ट करें। अगर आपके पास ये देखिए डाटा ऑफ स्कूल ऑलरेडी फाइल बनी है, इसको आप डबल क्लिक करें तो ये देखिए डाटा ऑफ स्कूल आपके सामने खुल के आ जाता है। और नेक्स्ट फंक्शन जो ऑफिस बटन का में होता है वो होता है फ्रेंड्स सेव। सेव जिस भी वर्कबुक के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसके डाटा को सेव करना है, तो आप सेव को यस क्लिक करें। जैसे आप सेव को क्लिक करते हैं तो ये वर्कबुक का डाटा जो है वो सेव हो जाता है। इसमें जो है आप आगे काम कर सकते हैं, सो दैट आपका डाटा जो है वो लॉस्ट ना हो। नेक्स्ट फंक्शन इसके अंदर आता है सेव एज। सेव एज में फ्रेंड आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वर्कबुक का डाटा जो है उसको सेव करना है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी ड्राइव में उसको जो है सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डी कर देता हूँ और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं टेस्ट नाम देता हूँ, वर्कबुक है यहाँ पे, सेव कर देते हैं तो डी ड्राइव में आपको जो है टेस्ट की नाम की जो है एक्सेल की फाइल मिलेगी। ये देखिए अभी हम अगर अपने कंप्यूटर को खोलते हैं और यहाँ पे डी ड्राइव में जाते हैं तो डी ड्राइव में जाने के बाद यहाँ पे टेस्ट को हम ढूंढ लेते हैं। टी, जैसे मैं अभी यहाँ पे टी मारता हूँ तो ये देखिए टेस्ट का यहाँ पे जो है एक्सेल जो है वो खुल चुका है। ये रहा टेस्ट वाला, राइट। अभी मैं आगे आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका सेव एज। उसके बाद आता है फ्रेंड प्रिंट्स। इसी वर्कशीट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कमांड यूज किया जाता है। प्रिंट के आगे ऑप्शन होते हैं प्रिंट सेलेक्ट ए प्रिंटर नंबर ऑफ कॉपीज एंड अदर प्रिंटिंग ऑप्शन बिफोर प्रिंटिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि जब भी आपने प्रिंट करना है तो नंबर ऑफ कॉपीज और आपको जो है प्रिंटिंग ऑप्शन में जरूर सेटिंग कर लेने हैं। क्विक प्रिंट मारने के लिए डायरेक्ट यहाँ से करें। और प्रिंट प्रीव्यू जो होता है, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है डाटा जिसको हमने प्रिंट करना है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये था फ्रेंड यहाँ पे जो है प्रिंट तक का। उसके बाद फ्रेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो है ये देखिए प्रिपेयर। प्रिपेयर के अंदर फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शंस आती हैं प्रॉपर्टीज की, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स की, इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट की जो, और रेस्ट्रिक्ट परमिशन की। यहाँ पे जो होता है ये होता है इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का। इस फीचर से जो है आप अपनी जो वर्कबुक है, जो आपकी शीट है, उसको आप इनक्रप्ट कर सकते हैं, उसमें आप पासवर्ड डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको इस शीट को जो है आपको इनक्रप्ट करके और पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी हम जाएंगे प्रिपेयर के ऊपर, इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे ये पासवर्ड पूछेगा, हम कोई भी पासवर्ड दे देंगे, उसके बाद ओके करेंगे और उसके बाद री एंटर पासवर्ड, अगेन हम पासवर्ड दे देंगे और इसको भी ओके कर देंगे। तो अभी आप देखिए ये बुक वन का जो है शीट है, इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, यस कर लेते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव हम कहाँ करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर बुक वन के नाम से ही सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए ये वर्कबुक अभी सेव हो गया। तो अभी यहाँ पे ये देखिए बुक, जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन हो चुका है। अभी आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। यहाँ मैं पासवर्ड देके ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ तभी हमारी शीट जो है वो
खुल पाएगी। वेल फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है सेंड कीज। अगर आपका पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप इसी की एक कॉपी जो है वर्कबुक की जो है किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, उसके अंदर जो है मैसेज अटैच हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट फैक्स है, आप जो है इंटरनेट फैक्स सर्विस अगर यूज कर रहे हैं तो इस वर्कबुक को जो है आप किसी को भी जो है इंस्टेंटली फैक्स कर सकते हैं। बट फ्रेंड, ये पब्लिक सर्विस है, ये ज़्यादातर यूज में नहीं होता। उसके बाद क्लोज है, जिस शीट के ऊपर काम कर रहे हैं आप उसको इजीली जो है क्लोज कर सकते हैं। क्लोज के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्कबुक जो है क्लोज हो जाएगा। तो अभी हम इसको जो है क्लोज नहीं करेंगे, हम इसके नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर होता है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है दिया हुआ। ये देखिए सेव का है, क्विक एक्सेस टूल बार है, आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने कोई भी डाटा लिखा है, अभी मैं आपको डाटा लिख के दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे ये देखिए एक डाटा लिखा हुआ है, जैसे आपने ये डाटा लिख दिया है, इस डाटा को अभी आप जो है अंडू करना चाहते हैं तो यहाँ पे अंडू का ऑप्शन दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल के अंदर। जैसे आपने अंडू कर दिया तो ये डिलीट हो जाता है, क्योंकि ये शीट को जो है पहले वाली पोजीशन में ले आता है। उसके बाद ये देखिए रीडू है, जैसे हम रीडू कर देते हैं तो जो हमने टाइप किया था वो दोबारा वापस आ जाता है। तो ये थे फंक्शन फ्रेंड्स, आज ऑफिस बटन के फंक्शन की। ऑफिस बटन के अंदर जो फंक्शन होते हैं, न्यू है, ओपन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश एंड क्लोज है, इसका क्या क्या फंक्शन होता है और इसको कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हमने बात करी आज जो है क्विक एक्सेस टूल बार कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव जो है, अंडू है, रीडू है, उसको हम कैसे फंक्शन में ला सकते हैं। तो ये तो फ्रेंड आज था आपको जो है एक टैब के बारे में हमने बताया है जो कि ऑफिस बटन है। उसके बाद आ जाता है जो होम आ जाता है मेनू, और इसके अंदर जो है एक रिबन दिया हुआ है। ये देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था जितने भी मेनूज हैं सबके अंदर रिबन है। पहले जो होता था वो मेनू होता था, उसमें हम क्लिक करते थे तो इस प्रकार मेनू खुलता था, मगर आजकल जो है यहाँ पे रिबन दिए हुए हैं। इन रिबन्स में जो है अलग अलग टूल्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है आगे काम करेंगे। तो ये फ्रेंड स्टार्टिंग था आज के लिए, इतना ही। आज के इस दिन में जितना मैंने आपको बताया है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। आपने यहाँ पे होम बटन के ऊपर जाना है, न्यू में जाके जो है एक शीट क्रिएट करनी है, उसको रीनेम करना है, और अगर आपकी पहले से शीट बनी है तो उसको आपने ओपन में जाके ओपन करना है, उसको फिर सेव करना है। सेव एज भी आपने करके देखना है कि कैसे कैसे हम उसको दूसरी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रिंट प्रीव्यू देखना है, उसके बाद प्रिपेयर में जाके उस शीट को आपने इनक्रप्ट भी करके देखना है। तो फर्स्ट डे है आज, आप इतना करिए। तो नेक्स्ट डे में हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि होम के अंदर ये जो टूल दिए हुए हैं इनको कैसे हमने यूज करना है, और एक हम वर्कशीट बनाएंगे और उसके अंदर इन टूल्स का जो है वो यूज आपको बताएंगे। सो फ्रेंड, इस प्रकार आपने देखा कि जो आपका फर्स्ट डे था वो एक्सेल से कैसे आपने प्रोडक्शन किया, कैसे आपने जाना कि एक्सेल को आपने कैसे खोलना है, उसके अंदर बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक जरूर करें और इसके नीचे अपने कॉमेंट्स लिखें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपकी जो है क्या सजेशन है। आपकी सजेशन जो होती है ये हमें और भी मोटिवेट करती है नए नए वीडियोस बनाने के लिए। सो अपना कमेंट जरूर लिखें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि YouTube के ऊपर कंप्यूटर गुरुजी चैनल जो है कंप्यूटर से रिलेटेड, एंड्रॉइड से रिलेटेड और डेली लाइफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।
सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।